हेलो आर्मी फ्रांगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। अरे इंजन यूंजन जीसू के सडनली शादी से जाने वाली बातें ट्रैंग और जिमिन को बता देती है, पर मॉम डैड को हमें तो एक बार बताना चाहिए था ना। हाँ दी, मॉम डैड ने हमें कुछ नहीं बताया। जिमिन ट्रैंग बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारे मॉम डैड तो इस टाइम मीटिंग में हुए, कल सुबह तुम उनसे बात कर लेना। ओके मॉम। और हाँ, ट्रैंग भी आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, और आज ट्रैंग जंगकुक के रूम में सोएगी। क्या मेरे रूम में? पर मैं कहाँ सोऊंगा, जमीन पर? हाँ मेरे डाल सो जाना, एक दिन की तो बात है। मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? नहीं कुकी बेटा, मैं बस मजाक कर रही हूँ, तुम जीहब के रूम में सो जाना। नहीं मॉम, पर मैं जीहब को रूम में नहीं सोऊंगा, इसका रूम बहुत गंदा रहता है। क्या आपने मेरे रूम को गंदा कहा? हाँ तुम्हारे रूम में सारे तुम्हारे कपड़े फैले हुए रहते हैं। कुकी बेटा एक दिन की तो बात है, कल मैं टैंक का रूम रेडी करवा दूंगी, टैंक उस रूम में शिफ्ट हो जाएगा, फिर तुम अपने रूम में आ जाना। ठीक है मॉम, सिर्फ एक दिन के लिए। मॉम सुगा भाई, जिमिन भाभी का क्या बेडरूम रेडी है? क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट जो है। मैं तो मेन पार्ट भूल ही गई इन दोनों का। मॉम आप इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हो? हाँ मॉम, आज सुगा की फर्स्ट नाइट है और आप इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गई। हाँ सुगा ही हम बहुत क्यूरियस होते जा रहे हैं अपनी सुहाग रात के लिए। अरे जरा देखो तो मेरी जिमिन बहू को, कैसे सुहाग रात के नाम पे चेहरा चमक उठा है। एक बात बता बहू, कहीं तुम भी सुगा की तरह अपनी सुहाग रात के लिए एक्साइटेड तो नहीं हो रही? नहीं मॉम, मुझे ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। और आप लोग ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। तो मेरी प्यारी भाभी आप इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं शर्मा हूँ? वैसे सुगा ही हूँ, क्या आपने सेफ्टी के लिए कुछ सोचा है नाइट में? जैसे अब तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, देखो तो मेरी जिमिन बहू कितनी शर्मा रही है। ओए कचर पचर पार्टी, तुम सब मेरे प्यारे बेटे सुगा को परेशान करना बंद करो। बच्चों तुम सब तो आज अपने भाई और भाभी से नेक लो। हाँ बच्चों, प्यांग बेटा तुम अपनी बहन को सुगा और जिमिन को फूलों से सजी हुई रूम में ले जाओ। और हाँ बेटा, तुम अपनी बहन को फूलों से सजी बेड पर बिठा के ही आना। जी आंटी जी। क्या मेरा रूम डेकोरेट किया गया है और आप सब तब से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ भाई, आज ही तो तुम्हारी सैदतगिरी की पुंगी बजी है। हाँ भाई, हमें बार बार थोड़ी मौका मिलता है आपकी पुंगी बजाना। हाँ तुम लोग को जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, तुम्हारी भी बारी आएगी। A few minutes later. सुगा अपने रूम में जाने ही वाला होता है तभी जी हो पाता है। अरे सुगा भाई कहाँ चल रही है, पहले हमारा नेक तो देते जाओ। नेक? और तुम्हें किस बात की नेक चाहिए? भाई आप जिस रूम में जाने के लिए बेसब्र हो रहे हो ना जिमिन भाभी के पास, उस रूम को डेकोरेट मैंने ही किया है। क्या कहा जो? उस रूम को सिर्फ तुमने ही डेकोरेट किया है? क्या मैंने नहीं किया है? नेक तो मुझे भी चाहिए। अब वहाँ ट्रैंग ने भी मेरी उस डेकोरेशन में हेल्प की थी। यही एक काम था जो दूसरा भी आ गया नेक के लिए। क्या तुम सब मुझे भूल गए? लो तीसरा भी आ गया, तुम्हारी ही कमी थी। कमी तो होगी ही, आखिर उस रूम को सजाने में मैंने भी तो इन दोनों की हेल्प की थी। और जहाँ ट्रैंग रहेगी वहाँ तो मुझे आना ही होगा। क्या क्या कहा तुमने अभी? मैंने तुम्हारे मुँह से ट्रैंग का नाम सुना। क्या जंगकुक सर ने मेरा नाम लिया? नहीं नहीं ट्रैंग, मैं वो कह रहा था कि हम तीनों ने उस रूम को डेकोरेट किया है तो नेक मुझे भी मिलनी चाहिए ना। अच्छा जल्दी बताओ तुम लोग को कितने नेक चाहिए? ओहो भाई बहुत बेसब्र हो गए जिमिन भाभी के पास जाने के लिए। चलिए हम बता ही देते हैं हमें कितने नेक चाहिए। पूरे के पूरे 10 लाख। क्या 10 लाख? क्या तुम लोग किसी की फिरौती मांग रहे हो? अब हम तीन है तो हमें तो इतने नेक चाहिए होंगे ना। हाँ सुगाइयों, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या इसका मतलब तुम लोग मुझसे और नेक लोगे? हाँ सुगा भाई, अभी तो आपकी रिसेप्शन बाकी है। क्या रिसेप्शन बाकी है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर करने क्या वाले हो तुम लोग रिसेप्शन में? भाई आप ये हम पे छोड़ दीजिए, आगे आगे देखिए होता क्या है। पर तुम लोग करने क्या वाले हो रिसेप्शन में, ये तो बताओ मुझे। नहीं सुगाइयों, हम आपको ये नहीं बता सकते, बस आप हमारे नेक दे दो। हाँ भाई आप हमारे जल्दी से नेक दे दो, फिर आप जा सकते हो। जिमिन भाभी भी आपका वेट कर रही होगी। ओ हाँ, मेरी मौसी भी मेरा वेट कर रही होगी। सुगा को बहुत तलब मछली अंदर जाने की। हाँ कर लो तुम सब मुझे मिलकर परेशान, जब तुम्हारी बारी आएगी तब मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ भाई आप हम सबको देख लेना, फिलहाल तो आप हमें हमारा नेक दे दीजिए। ठीक है ये लो तुम सब अपने नेक, और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर सुगा नेक दे देता है। ठीक है भाई हम जा रहे हैं, आप हमारी तरफ से भाभी को कांग्रेस बोल देना। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं और सुगा जिमिन के पास अपने रूम में जाता है। मोची बेबी कैसा लगा तुम्हें ये रूम? सुगा रूम तो बहुत ब्यूटीफुल है। चलो मैं इन पैसों को अपने
मेकअप और शॉपिंग में उड़ाऊंगी। जेहोप तुम क्या करोगे इन पैसों का? मैं इन पैसों से अपने कॉलेज फ्रेंड को पार्टी दूंगा। और जंकुक भाई आप क्या करोगे इन पैसों का? मैं क्या करूंगा इन पैसों का? सुगा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं आज इतनी सुंदर लग रही हूँ कि तुम्हारी नजरें नहीं हट रही मेरे ऊपर से? मोची बेबी तुम तो हो ही सुंदर और तुम हमेशा सुंदर लगती हो और मैं तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे ही देख सकता हूँ। सुगा तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। तो शर्माओ ना बेबी, तुम शर्माते हुए भी अच्छी लगती है। वैसे मोची बेबी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है सुगा? तुम खुद ही देख लो। फिर जिमिन उस गिफ्ट को खोलती है। हाँ ये क्या है सुगा? फिर दोनों ही उस ड्रेस को देखकर शॉक हो जाते हैं। हाँ ये क्या है? मैं तो कुछ और ही लाया था। लगता है मेरा गिफ्ट उस लेडी से चेंज हो गया होगा। वाओ इस जियोन अकड़ो का तो बेडरूम बहुत ही सुंदर है। नहीं अब ये इन पे अकड़ो नाम सूट नहीं करता, अभी काफी ज्यादा अच्छे और सूट हो गए हैं। जिमिन दी ने सही कहा था। दी और सुगा ह्यूग इस टाइम क्या कर रहे होंगे? क्या मैं उनके रूम के पास जाकर सुनूं आखिर वो कर क्या रहे हैं? फिर तैंग यिंगमिन के रूम पास जाती है। आ जीहो, क्या हो गया क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम अपना रूम का क्या हाल बना कर रखे हो? सारा का सारा सामान फैला हुआ है यहाँ पर। बस इतनी सी बात और आपने इतना जोर से चिल्लाया, मैं तो डर ही गया था। ठीक है मैं अभी रूम को क्लीन कर देता हूँ। ठीक है तुम ये सब क्लीन करो, तब तक मैं टेरेस पे जा रहा हूँ। जंगू टेरेस पे जा ही रहा होता है तभी वो तैंग को यिंगमिन के रूम के बाहर खड़ा देखता है और फिर तैंग के पास जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो चुप रहो ना, सुनिए दोनों, ये दोनों क्या कर रहे हैं आखिर? तैंग तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और यिंगमिन के रूम के बाहर खड़े होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही हो तुम? तभी तैंग को ख्याल आता है ये कोई और नहीं जंगकुक सर है। हाँ जंगकुक सर, वो मैं जिमिन दी और सुगा ही उनसे पूछने आई थी कि उन्हें कोई भी जरूरत हो तो वो मुझे बता दे। अच्छा और उन दोनों को क्या जरूरत होगी तुम्हारी? वो